नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सीपीएल का जो सेकंड मैच होने वाला है, बारबाडोस ट्राइडेंट्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बारे में। वीडियो लंबा ना जाए, जल्दी जल्दी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये उसी पिच पे खेला जाएगा जहाँ पर पहला मैच खेला जा रहा है, ब्रेनलारा स्टेडियम तरोबा त्रिनिदाद में। यहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, थोड़ा सा बारिश हुआ है तो सीमर्स के लिए हेल्प हो सकता है। सीपीएल का एक रूल है कि इमर्जिंग प्लेयर्स को चांस दिया जाए, मगर इमर्जिंग प्लेयर्स कौन से मैच में खेलेंगे सीजन में ये बता नहीं सकते। ये आप एक बार चेक कर लीजिए, जहाँ पे पहले वीडियो में आपको बताया था सेम वही स्टैट्स है। पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर आपके लिए पिक करने के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में। फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हटके प्रेडिक्टर ड्रीम इलेवन फ्री टीम्स के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट फोर मैचेस यहाँ के प्रीव्यू की बात करूँ तो ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसको आप पॉज करके एक बार चेक कर सकते हो। टोटल चार मैचेस का यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टोटल चार मैचेस की अगर मैं फिर से बताऊँ तो स्पिनर ने 9 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, पेसर 14 विकेट सेकेंड इनिंग्स में, स्पिनर 14 विकेट, पेसर 15 विकेट। तो टोटल यहाँ पे 29 विकेट्स पेसर को मिले हैं, 23 विकेट्स स्पिनर को मिले हैं। वही कंक्लूजन मेरे हिसाब से रहेगा, फर्स्ट इनिंग्स मोस्टली प्रीफर करता है पेसर्स को और सेकेंड इनिंग्स मोस्टली प्रीफर करता है स्पिनर्स को, मगर हमें दोनों को पिक करना पड़ेगा। देख के लाइनअप्स के बाद और टॉस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसको पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है। स्लाइट एडवांटेज रहेगा यहाँ पे स्पिनर्स के लिए। 2019 के सीज़न की ओवरऑल बात करूँ बारबाडोस से तो जॉनसन चार्ल्स 13 मैच 415 रन, जोनाथन कार्टर 11 मैच 218 रन, शमर ब्रुक्स 8 मैच 165 रन, रेमन रेफर 9 मैच 108 रन, हेडन वॉल्श 9 मैच में 22 विकेट, रेमन रेफर 11 मैच में 14 विकेट, जेसन होल्डर 13 मैच में 14 विकेट, एशलेनर्स 13 मैच में 4 विकेट। वही माफ़ कीजिएगा, वही अगर एसकेएन की बात करूं तो इविन लिविस 12 मैच 496 रन 132 हाईएस्ट है इनका। दिनेश रामदीन 12 मैच 299 रन, हाईएस्ट 66 है। शेल्डन कॉटरल 16 विकेट 12 मैच में, रायड एमरिट 12 मैच में 13 विकेट, अवजारी जोसेफ 12 मैच में 13 विकेट, इमरान खान 12 मैच में 11 विकेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम पर जुड़े नहीं है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। लास्ट हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करूँ तो इनका जब भी मुकाबला हुआ था हेड टू हेड में तो जॉनसन चार्ल्स 2 मैच में 65 स्कोर किए हैं, हाईएस्ट 52 है। शाही होप 3 मैच में 23 रन, 23 इनका हाईएस्ट है। शमर ब्रुक की अगर बात करूं तो 2 मैच 66 रन, 53 इनका हाईएस्ट है। जेसन होल्डर 6 मैच 106 रन, 54 हाईएस्ट, 4 विकेट निकाल चुके हैं। जोनाथन कार्टर 4 मैच में 2 रन, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे हेड टू हेड में। तो रेमन रेफर की अगर बात करूँ तो मैचेस 4 रन 35 है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हाईएस्ट 33 का 2 विकेट। एशलेनर्स 5 मैच 1 विकेट, हेडन वॉल जूनियर 2 मैच में 4 विकेट, राशिद खान 0 विकेट। प्लेयर स्टैट्स की अगर इनकी मैं बात कर लूँ तो जॉनसन चार्ल्स बारबाडोस ट्राइडेंट से 164 मैचेस 4026 रन, 25 का एवरेज है, 4 विकेट भी लिए हैं, मगर बहुत रेयर बॉलिंग करते हैं तो ये बॉलिंग से उम्मीद मत रखिए। शाही होप 29 मैचेस 64 रन्स, 23 का एवरेज। कोरी एंडरसन 126 मैचेस 2717 रन्स, 27 का एवरेज, विकेट्स 36। और जोनाथन कार्टर आपके लिए 74 मैचेस खेल चुके हैं, 1452 रन्स, एवरेज 22 का, विकेट्स 6। ये भी बहुत रेयर बॉलिंग करते हैं तो इनकी भी बॉलिंग से उम्मीद ना रखें। शमर ब्रुक्स मैचेस 20 359 रन्स, एवरेज 20। ये थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर लगे मुझे शमर ब्रुक्स। जस्टिन ग्रीव्स अगर खेलते हैं तो ये भी अच्छे हैं, 4 मैच 101 रन, 34 का इनका एवरेज है। ये जो लास्ट में मैंने लिखा है 1C25 है, ये कंफ्यूज मत कीजिए, ये एक सेंचुरी है, ये 25 50s है। तो इनका 350s, इनका 10 50, एक सेंचुरी 750, 150, 150। वही शाहान जहांगीर की बात करूं तो 6 मैच 73 रन्स, मिचल सेंटनर 65 मैच 856 रन्स, एवरेज 20 विकेट्स 87। एशलिनर्स की अगर बात करूँ तो 65 मैच 585 रन्स, एवरेज 20 विकेट 73। नईम यंग अंडर 19 से खेले थे, 1 विकेट 10 रन 0 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, ऐसा इनका 3 मैच का स्टैट्स मुझे मिला है। काइल मेयर्स की अगर बात करूँ तो 43 मैच 441 रन्स, एवरेज 14 विकेट्स 14। राशिद खान 109 मैच 879 रन्स, एवरेज 12 विकेट्स 296 विकेट्स है 109 मैच में, यानी कि
डबल से भी ज़्यादा है। हर मैच में 2+ विकेट, 2 या 2+ विकेट आपको लेते हुए ये दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी, ये भी इम्पोर्टेंट पिक है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन क्रेडिट इश्यूज़ बहुत आ रहा है, तो टीम क्रिएट करने में दिक्कत होती है। जेसन होल्डर 76 मैच, 757 रन्स, एवरेज 81 विकेट्स है। रेमन रेफर की अगर बात करूँ तो 35 मैचेस है, 533 रन्स, एवरेज 20 विकेट्स, 39। हेडन वॉल जूनियर मैचेस 13, 139 रन्स, 33 विकेट्स। जोशुआ बिशप का अगर एक बार देख लो, एक ही मैच खेले हैं, 2 विकेट निकाला हुआ है। किरियन हर्डिंग लिस्ट ऐसे खेले थे, 24 विकेट, 20 मैच, 98 रन्स। वही प्लेयर स्टार्ट्स अगर मैं एसकेएन की बात करूँ, सेंट किट्स और नेविस पेट्रियट्स की, दिनेश रामदीन, इनको चाहो तो आप पिक कर सकते हो स्मॉल लीग में। 159 मैचेस, 2660 रन्स, एवरेज 24 का। जोशुआ डी सिल्वा 10 मैच, 331 रन्स, एवरेज 41। क्रिस लिन मैचेस 177 रन्स, 5096, एवरेज 32 विकेट्स, 3। एविन लिविस 144 मैचेस में 4217 रन, 31 का इनका एवरेज है। बेन डंक 127 मैचेस, 3036 रन्स, एवरेज 26 विकेट्स, 2। बेन डंक का अगर मैं बता दूं तो ये पाकिस्तान की लीग में ओपन करते थे और बिग बैश लीग में ये ओपन नहीं करते थे, तो यहाँ पे ओपन करेंगे या नहीं करेंगे ये कंफर्म बता नहीं सकते, ये हमें टॉस और लाइनअप्स के बाद में ही पता चलेगा कि ये ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ओपन करते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है बिग बैश लीग में, उतना कुछ खास खेलते नहीं थे, जब ओपन करते थे तभी ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो इन पर थोड़ा ध्यान रख के चले। निक केली न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, 32 मैच, 732 रन्स, 27 इनका एवरेज है और 1 विकेट भी निकाला हुआ है, तो रेयर बॉलर है, बॉलिंग से उम्मीद बिल्कुल ना रखें। जमार हैमिल्टन की बात करूँ तो 9 मैच में 100 रन, एवरेज 14। सुहेल तनवीर 212 मैच, 2267 रन्स, एवरेज 15 है, विकेट्स इनका भी 351 है, तो ये भी हमारे लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कॉलिन आर्चीबाल्ड की अगर बात करूँ तो 3 मैच में 39 रन्स, लिस्ट ए क्रिकेट से खेला है। शेल्डन कॉटरेल 88 मैचेस, 123 विकेट्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रयाड एमरिड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 136 मैचेस, 149 विकेट्स। ईस्ट सोदी 152 मैचेस, 170 विकेट्स। ईस्ट सोदी इंपॉर्टेंट है मगर स्पिनर है, तो देखकर चलते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो ड्रॉप करेंगे, सेकेंड इनिंग्स अगर आता है तो मैं इनको पिक कर सकता हूँ, ईस्ट सोदी को। अलजारी जोसेफ का नाम तो आपको याद होगा ही, आईपीएल में डेब्यूट किया था और 6 विकेट निकाल के गए थे, मुंबई इंडियंस से खेले थे। मैचेस 19 विकेट्स, 24। जैन रस जैगेसर की बात करूँ तो 4 मैच में 1 विकेट। डोमिनिक ड्रेक्स, ये आपको थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं डोमिनिक ड्रेक्स, मैचेस 6 रन्स, 36 विकेट्स, 1। इमरान खान, इनका बहुत बैड लक है, इनको वेस्ट इंडीज़ की टीम में होना चाहिए था लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, किस्मत ख़राब थी, कुछ नहीं कर सकते। 30 मैच, 139 रन्स, 60 इनका हाइएस्ट है, 23 विकेट्स निकाला हुआ है। प्लेयर वर्सेस प्लेयर शर्ट्स की, मगर प्लेयर बैटल की बात करूं तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे थे थोड़ा बहुत, शेल्डन कॉटरेल जोनाथन कार्टर के साथ। जोनाथन कार्टर जब बैटिंग करते हैं तो 15 बॉल खेले हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं, 7 ही रन स्कोर किया है। और एशली नर्स शेल्डन कॉटरेल के अगेंस्ट में 14 बॉल, 3 बार आउट हो चुके हैं, 6 ही रन स्कोर किया है। क्रिस लिन राशिद खान के अगेंस्ट 42 बॉल्स, 2 बार आउट हो चुके हैं, 41 स्कोर किया है, मतलब ये स्ट्रगल नहीं करते क्रिस लिन राशिद खान के अगेंस्ट, रन्स भी लगा लेंगे, आउट भी हो सकते हैं। जेसन होल्डर इविन लिविस 39, 41 रन्स, 2 विकेट। क्रिस लिन और रेमन रेफियर 22 बॉल में 22 रन, 2 विकेट। तो यहाँ पे पता चलता है कि रेमन रेफियर के अगेंस्ट क्रिस लिन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। निकोलस पुरन और डीजे ब्रावो 23 बॉल, 30 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं, और डीजे ब्रावो के अगेंस्ट निकोलस पुरन सॉरी गाइस वो गलती से बता दिया था, पुरन और ब्रावो का, वो अभी जो मैच चल रहा है वो उसका स्टैट्स था, तो इस मैच में निकोलस पुरन यहाँ कहाँ से खेलेंगे, वो तो दूसरे टीम से खेल रहे हैं। प्रोबेबल 11 की बात करो तो जॉनसन चार्ल्स, शाही होप, शमार ब्रुक्स, जोनाथन कार्टर, कोरी एंडरसन, जस्टिन ग्रीव, जेसन होल्डर, रेमन रेफियर, मिचेल सेंटनर या फिर एशली नर्स, राशिद खान, हेडन वॉल्स जूनियर। एसकेएन की अगर प्रोबेबल 11 की बात करूँ तो क्रिस लिन, इविन लिविस, दिनेश रामदीन, बेंडंग, निक केली, जोशुआ डी सिल्वा, रायड एमरेट, सुहेल तनवीर, इसोदी, शेल्डन कॉटरेल, अलजारी जोसेफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा और मेरी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। मैं यहाँ पे कोई टीम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा रिसर्च करना है टीम क्रिएट करने पे, तो उस पर मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। जब टीम क्रिएट हो जाएगी तो डेमो टीम मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैच सुबह 3 बजे चालू हो रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको
अभी अगर लीग ज्वाइन कर लेंगे 2:30 बजे का अलार्म सेट कर लो और सुबह उठ जाओ, क्या पता आपका ओपोनेंट सुबह उठ नहीं पाया, सो गया, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो 3 AM का जो भी मैचेस रहेगा वो थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।